नमस्कार, मैं खुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अपने जमीन के कागजों को यहां से करें डाउनलोड। बिहार में शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक के पदों का किया जा रहा सृजन। विटियार में पर्यटक देख पाएंगे मोर का नृत्य। निकाय चुनाव में ऐप से होगी निगरानी। बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर ऐसे भेज सकेंगे मैसेज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अपने जमीन के कागजों को यहां से करें डाउनलोड। बिहार के किसी भी जिले के लोग अपने जमीन का पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। दरअसल बिहार के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट bhoomijankari.bihar.gov.in पर जमीन का पुराना रिकॉर्ड अपडेट किया गया है। साथ ही यहां जमीन के खसरा, खतौनी, नकल, खतियान को भी उपलब्ध कराया गया है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप किसी भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड अपने मोबाइल या लैपटॉप में इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। साथ आप जमीन के कागजातों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेतिया का सागर पोखरा इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है बेतिया का सागर पोखरा। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले के बेतिया शहर के सागर पोखर में परम शांति और प्रकृति की असीम सुंदरता का वास है। दरअसल यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जहाँ दिन और रात दोनों वक्त महादेव की आरती की जाती है। इससे यहाँ दिन भर भक्तों का मेला लगा रहता है। यहाँ शांत मन से ध्यान लगाने वालों का भी जमावड़ा लगा रहता है। आज माएँ रख रही हैं कठिन व्रतों में से एक, जितिया का उपवास। सबसे पहले आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया या जीवित पुत्र का व्रत भक्ति और उपासना के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत माताओं के लिए खास मायने रखता है। सनातन धर्म में माएँ अपने संतान की स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखकर ये कठिन व्रत करती हैं। ऐसे ही नहीं, माताओं को त्याग और बलिदान का पर्याय माना जाता है। जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और काशी पंचांग के अनुसार आज अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। ऐसे में आज माएँ जितिया का यह निर्जला उपवास रख रही हैं और सोमवार को व्रत के पारण के साथ इस कठिन पर्व का समापन हो जाएगा। सरकार दे रही प्याज की खेती पर 50,00,000 तक की सब्सिडी। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के वैसे किसान जो कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने एक अच्छा स्कीम निकाला है। दरअसल बिहार सरकार ने किसानों को प्याज की खेती करने के लिए 98,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 50% की सब्सिडी यानी कि 49,000 रुपये दे रही है। किसान इन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग में उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहां आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। निकाय चुनाव में ऐप से होगी निगरानी। बिहार में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर कई तैयारियां भी की गई हैं और की जा रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव के लिए सभी जिलों में प्रेक्षकों की तैनाती भी की गई है। इन प्रेक्षकों के लिए अलग से एक ऑब्जर्वर ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से प्रेक्षक निर्वाचन से लेकर मतगणना तक की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दे पाएंगे। आपको बताते चले कि प्रथम चरण में 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की तारीख 10 से 19 सितंबर है। यूपीएससी ने इंजीनियर की 327 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के द्वारा विभिन्न डिसिप्लिन में इंजीनियर के कुल मिलाकर 327 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
विटियार में पर्यटक देख पाएंगे मोर का नृत्य। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र वैसे भी पशु पक्षियों और हरे जंगलों से गुलजार है, लेकिन खास बात तो यह है कि इस मानसून वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय पक्षी मोरों के सुंदर नृत्य से विटियार और भी गुलजार है। वहीं मोरों की बढ़ती संख्या को देख विटियार प्रशासन वन मंत्रालय को अधिवास क्षेत्र बनाने के लिए प्रस्ताव भेज रहा है, ताकि मोरों के बेहतर संरक्षण और रखरखाव और तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा सके, ताकि यहाँ देश विदेश से आने वाले पर्यटक बाघ, भालू, जंगली भैंसा, हरिण के साथ साथ मोरों के आकर्षक नृत्य को भी देख सकें। आपको बताते चले कि वीटीआर के वन क्षेत्रों में 7 माह पहले लगभग 1500 मोरों की संख्या का अनुमान लगाया गया था। उत्पाद विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता। शराबबंदी वाले बिहार में भी आए दिन उत्पाद विभाग कार्टन के कार्टन शराब बरामद कर रही है। इस बीच जहानाबाद जिले के महमदपुर गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के साथ साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शराब के विरुद्ध जिलाधिकारी रिचि पांडे के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। बीते दिन उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर काको थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में छापेमारी कर 169 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। ट्रेन में पाना है कंफर्म टिकट तो फॉलो करें ये कुछ स्टेप्स। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनीत कुमार की। विनीत कुमार एक भारतीय अभिनेता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिग्गज अभिनेता, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मसान, द्रोहकाल, कच्चे धागे, अक्ष, ये दिल, सोच और शूल जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनके हॉलीवुड असाइनमेंट में शामिल हैं राजापुर लीन कॉलिंस के साथ, भोपाल मार्टिन सीन और मिशा बार्टन के साथ बारिश के लिए प्रार्थना, वो कई तेलुगु, कन्नड़ और भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे चुके हैं। उन्हें तेलुगु फिल्म विक्रमारकुडु में उनके काम के लिए प्रशंसा भी मिली है। बिहार में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक के पदों का किया जा रहा सृजन। सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी का राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में जल्द ही +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों, कंप्यूटर शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों के कुल 54,703 पद सृजन करने की तैयारी की जा रही है। इन पदों को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें चले कि राज्य के सभी +2 स्कूलों में कुल 28,080 पद के सृजन की तैयारी की गई है। इसके साथ ही सभी +2 सरकारी स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। राजधानी के आनंदपुरी में दिखेंगे आदि योगी। देशभर में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि इसी महीने की 26 तारीख से शुरू हो रही है। ऐसे में इसकी तैयारियां बिहार में भी शुरू कर दी गई हैं और जोरों शोरों से की जा रही है। इस बीच राजधानी पटना के हर इलाके में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं आनंदपुरी चौराहे पर इस साल कोयम्बटूर स्थित आदि योगी के विशाल प्रतिरूप के पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 50 फुट ऊंचे और 30 फुट चौड़े पंडाल का निर्माण कर रही है। खास बात यह है कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। पंडाल का निर्माण पटना आर्ट कॉलेज के छात्र सोम का ग्रुप कर रहा है। इस दिन होगी पॉलिटेक्निक की व्याख्याता नियुक्त परीक्षा। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लेक्चरर पद के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 27 सितंबर को राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों की व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा होगी, जिसके लिए कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 450 पदों को भरा जाना है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाया जाएगा, ताकि मोबाइल के इस्तेमाल की आशंका पर रोक लगाई जा सके। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। इस आंगनबाड़ी सेविका की सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ। मोतिहारी की एक आंगनबाड़ी सेविका ने खास पहल की है, जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी लगाया गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, दीवार लेखन की भी सराहनीय चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आंगनबाड़ी के बच्चे आपको ज़मीन पर बैठे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। यह तस्वीर आंगनबाड़ी केंद्र अरेराज बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बहादुरपुर पंचायत के केंद्र संख्या 158 की बताई जा रही है। इस आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सुनीता देवी द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के बैठने के लिए बच्चा वाला कुर्सी लगाया गया है।
नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत से एक बार फिर किया सरकार पर पलटवार। लोक गायिका बिहार की बेटी और यूपी की बहू नेहा सिंह राठौर आए दिन अपने लोकगीत के माध्यम से सरकार पर हमला करने के लिए जानी जाती हैं। बिहार में काबा से मशहूर हुई लोक गायिका ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। गीत के बोल हैं, साहेब हाली हाली बहाली निकालिए, साहेब हाली हाली भर्ती निकालिए, साहेब आगे है हाथ जोड़े बेरोजगार, सुना कल की अवतार कौनों कड़ी चमत्कार, रोरा धरती के मलिकार, साहेब हाली हाली। नेहा सिंह राठौर का ये गीत भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इन जिलों में आज बारिश की प्रबल संभावना। बिहार में मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बरसात होने के आसार जताए हैं। इसके अलावा उत्तर, दक्षिणी और पूर्वी बिहार के 25 जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के लगाए गए अनुमान के अनुसार बिहार राज्य में 20 सितंबर तक बारिश संबंधी गतिविधियों के जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अलावा पूरे बिहार में कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। जदयू ने गिरिराज सिंह को नफरती बयान देने वाला नेता बताया। जदयू ने गिरिराज सिंह को नफरती बयान देने वाला नेता बताया है। दरअसल बेगूसराय शूट आउट मामले को लेकर बयानबाजी जारी है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म है। जदयू के हमले के बाद गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने जदयू पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी बातों से बिहार सरकार को मिर्ची लगती है। उन्होंने कहा कि एक कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बीजेपी नेता का इशारा एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बनाने को लेकर था। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की बढ़ाई मुश्किलें। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। टेंडर के बदले जमीन के इस घोटाले मामले में अगर तेजस्वी यादव पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें 7 साल की सजा भी हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर भी लगभग खत्म हो सकती है। आरोप है कि होटल के बदले रिश्वत में पटना के एक पॉश इलाके में जमीन दिया गया था। महागठबंधन सरकार को घेरने आ रहे हैं ईरानी और तावड़े। महागठबंधन की सरकार को घेरने के लिए भाजपा के दो बड़े नेता और नेत्री आज बिहार आ रहे हैं। बिहार भाजपा के प्रभारी नियुक्त किए गए विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बिहार आ रहे हैं। इस दौरान राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए विनोद तावड़े अपना पहला प्लान पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी आज पटना आने से भाजपा के लिए आज दिन का दिन बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी 2.0 कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ललन सिंह ने कहा, झूठ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, क्यों कोई उनको ऑफर करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई चर्चा से अभी भी राजनीतिक गलियारों में हलचल है। इस बात की चर्चा खूब जोर शोर से राजनीतिक गलियारे में हो रही है कि आखिरकार एक दूसरे पर दिन रात जुबानी हमला करने वाले फुर्सत से मिलने कैसे पहुंचे। जब मीडिया इस बारे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए। वहीं ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर गलत बयान नहीं कर रहे हैं, उन्हें जदयू की ओर से कोई ऑफर नहीं दिया गया है, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के चलते अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले भी वह हमसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि अगर दल के अंदर काम करना है तो अनुशासन से काम करना होगा। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी, पटना आकर उन्होंने मीडिया में गलत प्रचार किया है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम वाणी योजना के तहत मिलने वाले शुल्क के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम वाणी योजना के तहत मिलने वाली 650 रुपये शुल्क के बारे में। दरअसल एक फर्जी पत्र में पीएम वाणी योजना के तहत 650 रुपये शुल्क के बदले वाईफाई पैनल, 15,000 किराया और नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। पीआईबी ने कहा कि डॉट इंडिया ऐसी कोई किसी भुगतान की मांग नहीं करता है। पीएम वाणी से जुड़ी सही जानकारी के लिए pib.gov.in पर विजिट करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म 1906 में हुआ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म 1950 में हुआ था। भारतीय अभिनेता विनय राय का जन्म 1979 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री सनाया ईरानी का जन्म 1983। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राज नारायण बोस का निधन 1899 में हुआ।
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा अधिवक्ता जोसेफ बैपटिस्टा का निधन। 1930 में हुआ हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन का निधन। 1953 में हुआ स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का निधन। 1957 में हुआ भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का निधन। 1958 में हुआ भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश व भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का निधन। 1992 में हुआ मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत का निधन। 2002 में हुआ वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर ने कहा, रोहित कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिखता। वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर सुनील नरेन का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। नरेन के अनुसार रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नजर नहीं आते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विमल कुमार को दिए गए एक इंटरव्यू में वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने कहा कि रोहित एक गुणवत्ता वाले खिलाड़ी हैं, उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है और मुझे लगता है कि एक बार जब वह चल रहा होता है तो वह देखने के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक होता है। वह हमेशा फॉर्म में रहता है, कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिखता है, चाहे वह रन बना रहा हो या नहीं। वह है जिसे मैं हमेशा देखना पसंद करता हूं। उसे भारत के कप्तान के रूप में काफी सफलता मिली है। उसका आईपीएल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से अच्छा है। उसके कंधों पर एक शानदार सिर है और वह खेल जीत रहा है। बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर ऐसे भेज सकेंगे मैसेज। मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन खुद को अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो यूजर अभी भी चाहते हैं। इनमें से एक फीचर सेव न किए गए कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजना है। बिना सेव किए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई भी वेब ब्राउज़र खोलें। अब लिंक wa.me जिस नंबर पर मैसेज भेजना है वो डालें और एंटर दबाएं। शुरुआत में देश कोड के साथ फ़ोन नंबर टाइप करें, फिर नंबर टाइप करने के बाद लिंक ओपन करने के लिए एंटर दबाएं। अब आपको व्हाट्सएप स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हरे बटन पर क्लिक करें जो कंटिन्यू चैट ऑप्शन के साथ दिखता है। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर की व्हाट्सएप चैट विंडो खुल जाएगी। अब आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। मोमो डेट पर जाना चाहती है रश्मिका मंधाना। पुष्पा मूवी की फेम और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री और भारतीय युवाओं की क्रश रश्मिका मंधाना ने बताया कि उनका दिल किस पर आया है। दरअसल रश्मिका अपकमिंग फिल्म गुड बॉय को प्रमोट करने दिल्ली आई थी। उनकी तस्वीरें देखकर लगता है कि उन्हें दिल्ली इतना पसंद आया कि अगली बार वह मोमो डेट पर जाना पसंद करेंगी। एक्ट्रेस ने तस्वीर शेयर करते हुए दिल्ली और यहाँ के मोमोज के लिए प्यार जताया है। बिहार में मिले COVID-19 के 100 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 83 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 439 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल और औरंगाबाद में 1, भागलपुर में 2, गया में 4, जहानाबाद में 6, खगड़िया में 2, किशनगंज मधेपुरा मधुबनी और मुजफ्फरपुर में 1, मुंगेर में 4, नालंदा में 2, पटना में 47, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर और सिवान में 2, वैशाली में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 104,390 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 98 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद पासवान, रामनवमी मांझी, मनोज कुमार, पवन सिंह, अनवर करीम खान, सुनील मंझौली, रमेश नीतम, सूर्यवंशी, मोहन शाह, राजकुमार प्रसाद और कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में मनाया जाने वाला वो कौन सा त्यौहार है जिसे आप बेहद ही उत्साह के साथ मनाना पसंद करते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।